दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को प्राचीन इतिहास विभाग में विधि विधान पूर्वक मां सरस्वती का पूजा आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री का अनुष्ठान किया। इस दौरान पूरा परिसर मां सरस्वती के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर पहली बार विभाग में आगमन पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शीतला प्रसाद ने मुख्य अतिथि कुलपति राजेश सिंह को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। गौरतलब है कि विभाग में पिछले 38 वर्षों से मां सरस्वती की पूजा का आयोजन विद्यार्थियों की ओर से किया जाता है। पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विशंभर शरण पाठक ने विभाग का नया भवन मिलने पर वर्ष 1982 में इस परंपरा का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर कुलपति राजेश सिंह ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की शताब्दी है। मां सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री है। सरस्वती पूजन का यह आयोजन यह दर्शाता है कि हम भारतीय ज्ञान से कितना प्यार करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ध्यानेंद्र नारायण दुबे ने किया। इस अवसर पर पूर्व आचार्य प्रोफेसर जयमल राय को भी कुलपति ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही बसंत पंचमी के अवसर पर प्राचीन इतिहास विभाग की परंपरा के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह, प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, प्रोफेसर रवि शंकर सिंह, प्रोफेसर विनोद सिंह, प्रोफेसर डीएन यादव, मीडिया एवं जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, विभाग के समस्त शिक्षकगण और छात्र छात्राएं आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, पाम सर्वम श्री समर्पयाम अपाम पतये श्री वरम पुष्प महारम समर्पयाम मंगला सुभाष ताज भाई देवी ज्ञान के आश्रम में अपाम पतये श्री वरम नमः सबलं समर्पयाम नमः अच्छा उस बाहर हम समर्पित पकड़ देगा ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यंग नमः नमः प्रति भद्राय नेता पड़तास्ताम इधर से देखिए सब समर्पयाम का चाहिए बंदिए ये सब नहीं ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहा शिरो मे पातु सर्वथा ओम सतावतु ओम सरस्वती स्वाही सूक्तं पातु निरन्तरं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं वारिक्ती स्वाहा नेत्रपिण्डं सतावत् स्वाहा ओम वाग्भ्रीं श्रीं त्रेक्षरो मन्त्रो नैऋत्यै मां सतावतु स्वाहा ओम ह्रीं सर्व ओम सर्वशास्त्रवासिन्नी सर्वशास्त्रवासिन्नी स्वाहे स्वाहे सान्यां सदावतु स्वाहा जिक्रापि माई राउर कृपा हो जाला गुणी और ज्ञानी बनी जग में पूजा
पीतपदमासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विश्वास्रया प्रपन्नार्ती हरे प्रसिद्धिचराचरस्य माता सरस्वती देवी नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। बैठ जा, आप लोग बैठ जा, जितने विद्यार्थी हैं शोधार्थी हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जा, स्थान बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। अब आज इस कोणो पर शक्ति त्रय चक्रं दत्तं तत्परणाग ललीकृतं पुनः तत्तं एवं सप्तावरण च परिपूर्ण कल घनशबिकाय एपि त्रिवन कृतस्तनि घोरानन प्रभु श्रीत्रिपुभ कृतर्दनि सौकर रचिता निवि सौजुगता टंकी अंग अवस्थ के द्वारा सम्मानित करते हुए आचार्य प्रोफेसर जयमल सम्मान कर माला पढ़ा कर ये बहुत ही हर्ष का क्षण है। और जीतन जीतन की राजा है और इनको सब बच्चे डालने माता तो एक चीज मिस हो जाती। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी था, वहाँ भी सरस्वती पूजा होती है लेकिन इतनी विधिवत नहीं होती है। हम लोग वहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं सेशन तो एक बार समय करते हैं, फिर बसंत पंचमी में भी होता है वहाँ पे भी, तो ये एक सिंबॉलिक है। सरस्वती जैसा हम जानते हैं हमारे इतिहास में नॉलेज की देवी है, ज्ञान की देवी है, कला की देवी है, म्यूजिक की देवी है और आने वाली जो सेंचुरी है 21वीं सेंचुरी ज्ञान की सेंचुरी है। तो ये जतलाता है, ये दिखलाता है कि हम भारतीय कितना विद्या से और ज्ञान से प्यार करते हैं। ये केवल इसको अपना कोर्स करिकुलम में नहीं लेते हैं, दिल से लेते हैं, अपने दिनचर्या से लेते हैं, अपने इसको एक रिलीजियस फीलिंग से लेते हैं, तो बहुत ही डीपली लेते हैं। तो मैं सबको इस अवसर पे सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और खासकर मैं हेलो डिपार्टमेंट साहब को, मैं तो नहीं जानता था, बेचारे पड़े रहे, दो बार तीन बार मेरे पास आए और मैं उस समय भी नहीं समझ पाया, तो कहीं नहीं हम लोग इसको मनाते हैं इतने साल से और आप सर आवें तो फिर मैंने कहा नहीं मैं आऊँगा, कोशिश करिएगा कि थोड़ा जल्दी हम लोग मना लें। तो मैं इनसे को बहुत बहुत साधुवाद और मैं चाहूँगा कि इस तरह प्राचीन इतिहास इस इतिहास को बरकरार रखे, हमारे विद्यार्थियों में इसका मैसेज जाता रहे, इसकी इसको इसको ज्ञान को पढ़ाई से आप जोड़ते रहें और अगली बार इसको और विधिवत तरीके से मनाया जाए। विश्वविद्यालय में बहुत महत्व रखता है, यह सारे विद्यार्थी और सारे शिक्षक इसको जानते हैं, लेकिन इस तरीके से जिस प्राचीन इतिहास विभाग इस ट्रेडिशन को इस तरह से मनाता है
इस तरह से सेलिब्रेट करता है, एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है और इसको हमको ऐसे करते रहना चाहिए। ज्ञान की देवी जो है, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज, सभी चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, सबने कहा है कि जो नॉलेज है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा हथियार है और इसका उपयोग जो भी करेगा वो खुद तो बढ़ेगा ही, वो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इस अवसर पे मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ, इसको हम लोग ऐसे मनाते रहें। धन्यवाद।